తెలంగాణలో దారుణమైన పరాజయాన్ని తట్టుకోలేని కాంగ్రెస్ నాయకులు తమ అక్కసు వెళ్లగక్కారు. ఎన్నికల నిర్వహణలో ఈసీ విఫలమైందని ధర్నా చేసిన కాంగ్రెస్ మహిళలను కించపరిచేలా కార్టూన్ ప్రదర్శించింది. దీనిపై ఎంఐఎం అధినేత అసదుద్దీన్ ఓవైసీ తీవ్ర ఆగ్రహం వ్యక్తం చేశారు. ఓటమిని జీర్ణించుకోలేని కాంగ్రెస్ నేతలు ఇలాంటి నీచమైన పనులకు పాల్పడుతున్నారని మండిపడ్డారు. కాంగ్రెస్ అధ్యక్షుడు రాహుల్ గాంధీపై గాని, నూతన జనరల్ సెక్రటరీ ప్రియాంకపై గాని ఇలాంటి కార్టూన్లు వేస్తే సహిస్తారా అని ప్రశ్నించారు. కాంగ్రెస్ నేతలు తమ హద్దుల్లో ఉండాలని, ప్రజాస్వామ్యయుతంగా వ్యవహరించాలని హెచ్చరించారు. आपने जिस तरह का कार्टून उतारा है, जिसमें आपने एक महिला को दिखाया है कि उसके कपड़े उतारे जा रहे हैं, और आप उसमें हमारी, मेरी और केसीआर चीफ मिनिस्टर की तस्वीर लगा दिए. मैं कांग्रेस के लोगों से पूछना चाह रहा हूं कि अगर कोई कार्टून सोनिया गांधी का, प्रियंका गांधी का और राहुल गांधी का डाल दें, कैसा लगेगा उनको? जिस्म में आग लग जाएगी आपके. तो याद रखिए, अगर आप इस तरह कार्टून कर रहे हैं कि अगर कल कोई, मैं तो नहीं करूंगा, मैं बड़ी इज्जत करता हूं सोनिया गांधी की और करता रहूंगा, अगर कल तुम्हारे श्री श्री 50-year-old राहुल गांधी के बारे में और तुम्हारे नए जनरल सेक्रेटरी की फोटो लगाकर कोई कार्टून उतार दे, और ये मैं तो कोई हिंदू माइथोलॉजी का एक्सपर्ट तो नहीं हूं, महाभारत का, रामायण का, मगर मुझे मालूम कैसे कई वाकयात हैं, और अगर ऐसा कर देते हैं तो क्या करोगे तुम? अगर तुम्हारी नई जनरल सेक्रेटरी की फोटो लगाकर, तुम्हारे प्रेसिडेंट की फोटो लगाकर कोई कार्टून डाल दे तो तुम तो पानी भी नहीं पी पाओगे. तेलंगाना की आवाम ने आपको बुरी तरह हराया. यहां का महाभारत तो आप हार चुके हैं. यहां की आवाम ने कहा कि आप तो कौरवा से बदतर हैं. तो आप इस तरह का कार्टून बनाते हैं. हम इनसे कह रहे हैं कि भाई, आदाब के दायरे में रहिए, क्रिटिसाइज जरूर करिए, प्रोटेस्ट करिए. तो आप पॉलिटिकल प्रोटेस्ट करिए. इसीलिए कांग्रेस की इन बेवकूफियों की वजह से मोदी को फायदा पहुंचता है. तो वो इनकी मैच्योरिटी है, इनकी बेवकूफी है, और वो करते जा रहे हैं. तो अब इनको कौन सिखाएगा? तेलंगाना की आवाम ने तो कर दिया है. अब आप देखेंगे पार्लियामेंट इलेक्शन में भी तेलंगाना में 17-0 का रिजल्ट आने वाला है. 44% और टीआरएस हासिल किया. मजाक नहीं है ये. हम 7 सीट खड़े होकर 2% के ऊपर हासिल किए. तो भाई 2/3 के ऊपर आप सीट जीत गए. अरे भाई, तुम में क्या गलती है? तुम में क्या कमजोरी है?